अल्लाहन असलैक्म क्लास अलेवन एक्सरसाइज़ सिक्स पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर टू करवा रही हूँ मैं आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ़ एन इन ईच ऑफ़ द फॉलोइंग आपने एन को फ़ाइंड आउट करना है इन तमाम क्वेश्चन में अब आपके पास ये एन पी टू इज़ इक्ल्स टू थर्टी है एन पी थ्री इज टी है एन पी एट पी एन इज़ ईक् टू एट पॉइंट एट सेवन सिक्स है अलेवन पी एन तो ये आपके पास तमाम हैं आपने करना है एन को एन आपके पास कहीं भी हो सकता है इन द पोजिशन ऑफ ऊपर ठीक है और आर की पोजिशन पर भी हो सकता है ठीक है तो किस तरह से सिम्पलीफाई करेंगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके पास जो है वो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है आपके पास स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास है एन पी टू इज इक्वल्स टू थर्टी पी टू का मतलब एक पल है थर्टी मतलब कि आपको आर गिवन है ठीक है आपके पास है एन पी आर थर्टी के इक्वल ठीक है और आपके पास फॉर्मूले में होता क्या क्या है तो देखिए फॉर्मूले में आपके पास होता है एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल अब ऊपर जो होता है वो आपके पास एन होता है ठीक है तो वो आपके पास गिवन नहीं है ठीक है यानी कि आपके पास ये एन माइनस आर है ये भी आपके पास यहाँ से आर तो गिवन है आर की पोजिशन पर देखें यहाँ पर टू मौजूद है ठीक है बट एन नहीं गिवन तो हम किस तरह से पुट करेंगे हम यहाँ लिखेंगे एन बी आर is equals to n factorial upon n minus r factorial अब एन की जगह पे तो एन ही रहेगा एन पी आर की जगह पर आ जाएगा थर्टी क्योंकि एन पी आर थर्टी के इक्वल है ठीक है अब यहाँ पर आपको एन नहीं गिवन वो एक अलग बात है लेकिन एन पी आर बराबर है थर्टी के तो इसकी जगह थर्टी आ गया एन फैक्टोरियल इट इज़ रहा एन फैक्टोरियल एन इट इज़ रहेगा माइनस आर है आर की पोजीशन पर देखें टू है एन माइनस टू फैक्टोरियल ठीक ऊपर आपके पास एन फैक्टोरियल है तो एन फैक्टोरियल आपके पास किस तरह से ओपन होता है n तो फैक्टोरियल आपके पास ओपन होता है हम स्टार्ट में पढ़कर आए देखें ये सारी चीजें मैं जो आपको इंट्रो में पढ़ाती हूँ इसको पढ़ाने का मकसद ही होता है जब हम सिंपलीफाई करें तो आपको मैं वो तमाम चीजें याद दिलाती रहूं कि देखिए हमने यहाँ पर ये सब चीजें पढ़ी थी तो ये हमें याद रखनी है ठीक है अब मैंने आपको इंट्रो में पढ़ाया होता है कि एन फैक्टोरियल बराबर होता है एन एन माइनस वन एन माइनस टू एंडसोन जहाँ तक तो हमें जरूरत है हम इसको ओपन फॉर्म कर लेते हैं इसकी ठीक है तो आप देखिए एन माइनस टू है नीचे आपके पास तो एन फैक्टोरियल हमारे पास ओपन हो जाएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल ठीक है तो यहाँ पर हम कर लेंगे थर्टी एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल ठीक तो अब देखें एन माइनस टू फैक्टोरियल से एन माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल फैक्टोरियल के साइन कैंसिल के हो गई अब आपके पास जो सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने के थर्टी इक्वल है एन एन माइनस वन के तो एन एन से सिंप्लीफाई कर लें अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो एन एन जा एन स्क्वायर माइनस एन वन जा एन ये थर्टी यहाँ प्लस हो रहा है इधर आके माइनस करेगा तो एन ए स्क्वायर माइनस एन माइनस थर्टी इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के अब ये क्वाड्रेटिक बन गई अब आप सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट लीजिए माइनस थर्टी आ जाएगा एन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस थर्टी तो माइनस थर्टी एन स्क्वायर थर्टी कैल्सियम लीजिए टू वन जर टू टू फाइव जो टेन थ्री फाइव जो फिफ्टीन फाइव वन जो फाइव ठीक है टू थ्री जो सिक्स सिक्स से फाइव माइनस कीजिए वन आ जाएगा तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस सिक्स एन प्लस फाइव एन माइनस थर्टी इक्वल है जीरो के ठीक है यहाँ से दोनों में एन कॉमन है यहाँ पे बचा एन माइनस सिक्स यहाँ पे प्लस का फाइव कॉमन है यहाँ पे बचा एन माइनस फाइव सिक्स है थर्टी तो एन माइनस सिक्स एन माइनस सिक्स वन टाइम लिख लिया अंदर बचा एन प्लस फाइव तो यहाँ से इक्वल है जीरो के ना इधर और और करें एन माइनस सिक्स इक्वल है जीरो के एन प्लस फाइव इक्वल है जीरो के यहाँ से एन आ गया उधर जाके प्लस का सिक्स यहाँ से एन आ गया माइनस का फाइव तो आपके पास एन हमेशा या आर हमेशा पॉजिटिव होंगे नेगेटिव नहीं हो सकते तो यहाँ पर हम लिख देंगे के एन इज इक्वल्स टू सिक्स ज आंसर और ये लिख देंगे इसके आगे हम नॉट एक्सेप्टेड ठीक है क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते एन की पोजीशन पर ठीक है तो ये आ गया आपके पास आंसर ये था आपके पास पार्ट वन अब आपके पास पार्ट टू है एन पी थ्री इज इक्वल्स टू सिक्सटी सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर वन जैसा है आपके पास पार्ट वन जैसा है अब आपके पास यहाँ पर गिवेन है एन पी थ्री इज इक्वल्स टू सिक्सटी अब एन पी थ्री सिक्सटी के इक्वल है आपके पास तो विनो दैट हम जानते हैं फॉर्मूला एन पी आर इज़ इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल ठीक है अब आपके पास यहाँ पर एन पी आर है ठीक तो है तो ये एन पी आर है एन पी आर सिक्सटी का इक्वल है एन फैक्टोरियल एन की जगह एन ही है ठीक है एन की जगह एन ही है एन फैक्टोरियल और यहाँ से एन की जगह एन ही आ जाएगा आर जो है वो है थ्री एन माइनस थ्री फैक्टोरियल अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में हैंड दी के हम एन फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं एन एन माइनस वन एन माइनस टू और एन माइनस थ्री अभी तो मैंने कहा एन माइनस टू तक ओपन कर सकते हैं अब मैं कह रही हूँ एन माइनस थ्री तक तो देखिए जहाँ तक हमें नीड होगी हमें वहाँ तक ओपन कर सकते हैं एन फैक्टोरियल को एन माइनस फोर एन माइनस फाइव एन माइनस सिक्स एन माइनस सेवन ठीक है हम इसको ओपन करते जाएंगे जहाँ तक हमें इसकी नीड होगी क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा हमें फैक्टोरियल के साथ हमें उसे कैंसिल आउट करना होता है ठीक है तो यहाँ से सिक्सटी बराबर है एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल के एन माइनस थ्री फैक्टोरियल ये आपके पास हो गया कैंसिल आउट यहाँ पे आपके पास है सिक्सटी एन को अंदर सिंप्लीफाई करें एन एन जा एन स्क्वायर माइनस जा एन अब आपके पास है ब्रैकेट एन माइनस टू एक और ठीक है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें यहां से आपके पास हो जाएगा एन स्क्वायर एन से मल्टीप्लाई होगा यहां से करें एन एन स्क्वायर एन ज़ा एन क्यूब एन स्क्वायर टू ज़ा माइनस टू एन स्क्वायर माइनस के एन एन ज़ा माइनस का एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन टू ज़ा टू एन और ये प्लस का सिक्सटी इस तरफ आ जाएगा यानी ये सब इस तरफ आ रहा है तो ये माइनस का सिक्सटी इक्वल है जीरो के ठीक है समझ लिया मैंने ये साइड इधर ले ली ठीक है और फिर इसको भी इस तरफ ले आई थी तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से एन क्यूब टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस सिक्सटी तो यहाँ से इसको सिंपलीफाई करें तो माइनस का थ्री एन स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस का टू एन माइनस सिक्सटी अब आपके पास ये आ गई क्यूब की टर्म स्क्वायर की टर्म एन की एक्सप्रेंट वन की टर्म और माइनस सिक्सटी कॉन्स्टेंट टर्म तो इसमें आपने किस तरह से ब्रेक करना है कि आपने इस सारी टर्म को भी टू टाइम ब्रेक करना है वाली टर्म को भी टू टाइम्स ब्रेक करना है ठीक है तो यहाँ से हम कर लेंगे एन क्यूब माइनस ट्री एन स्क्वायर को हम कर सकते हैं फाइव माइनस टू करके ठीक है फाइव एन स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर और ये है टू एन तो टू एन को हम ब्रेक कर सकते हैं टू एन को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट आए टेन एन प्लस ट्वेल्व एन माइनस सिक्सटी जीरो के ठीक है अब देखे अभी यह बन गई थ्री फोर फाइव सिक्स टर्म्स तीन पेयर अब आपके पास यहां पे बनेंगे और तीनों पेयर में एक पेयर सेम मतलब वो पेयर सेम होंगे यहां से देखें एन कॉमन ले लिया एन माइनस फाइव बचा यहां से देखें तो प्लस का टू एन कॉमन ले लिया अंदर से बचा एन यहाँ से बचा टू फाइव से टेन प्लस ट्वेल्व कॉमन ले लिया अंदर से बचा एन माइनस ट्वेल्व फाइवी इक्वल है जीरो के नाउ एन माइनस फाइव एन माइनस फाइव एन माइनस फाइव तो एन माइनस फाइव आ गया एक फैक्टर नेक्स्ट एन प्लस टू एन प्लस ट्वेल्व इक्वल है जीरो के अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे टू एन माइनस फाइव एज इट इज यहाँ पर अगेन मिडिल टर्म ब्रेक होगी ट्वेल्व है आपके पास ट्वेल्व कैसे हम लें टू सिक्स जो ट्वेल्व और ट्वेल्व है टू सिक्स जो ट्वेल्व टू थ्री जो सिक्स थ्री वन जो थ्री ठीक है तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से फैक्टर टू एन के फैक्टर नहीं आ रहे तो यहाँ पे टू एन प्लस ट्वेल्व एजिट इक्वल है ज़ीरो के एन माइनस फाइव इक्वल आ गया जीरो के एन आ गया यहाँ से फाइव ठीक है और ये आपके पास इसके फैक्टर बन नहीं रहे तो इट मीन्स ये आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा और इसका आंसर जो है वो आयोटा में ही आएगा तो आप इसे कर देंगे यहाँ से नेगलेक्ट, ठीक है हम यहाँ से इसे कर देंगे निगलैक्ट N is equals to five is the answer n plus two n plus twelve equal to zero k its factors are not possible then answer. विल बी अम्प्लेक्स देन इट इज नॉट एक्सेप्टेड ठीक है एन जो है वो आपके पास आयोटा में तो आ नहीं सकता ठीक है तो यहाँ पे आपके पास नॉट एक्सेप्टेड आ गया या एन इज इक्वल्स टू फाइव आपके पास हो गया है एन की वैल्यू ठीक है अब यह था ये पार्ट टू पार्ट थ्री को करें तो पार्ट थ्री है आपके पास एट पी एन इज एट डॉट सिक्स अब जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए ओपन फॉर्म में दे दिया है ठीक है आपने इसको वापस से जो है मल्टीप्लाई करके लिख लेना है तो एट पी एन इज इक्वल्स टू एट मल्टीप्लाई बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय सिक्स थ्री थर्टी सिक्स आपके पास आ जाएगा अब आपके पास आर वाली पोजीशन पे है एन तो ये आपने करना है फाइंड आउट ठीक है तो किस तरह से करेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे कि अच्छा जी ये मार्कट जो है वो चल नहीं रहा है खैर इसे कर लेते हैं एन पी आर इज़ इक्ल्स टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल ठीक है एन की पोजिशन पर है एट पी एन उसकी वैल्यू तो खैर थ्री थर्टी सिक्स अब एन है आपके पास एट ऊपर आ गया एट फैक्टोरियल और एन है एट तो एट माइनस आर फैक्टोरियल और आर यानी एन है आर की पोजिशन पर कौन है आर इज़ इक्वल्स टू एन तो इसकी जगह हमने एन लिख दिया ठीक है एट फैक्टोरियल है ये यह यहाँ डिवाइड कर रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा ठीक है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड करेगा एट माइनस टेन फैक्टोरियल अपॉन थ्री थर्टी सिक्स इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई तो यहाँ से एट फैक्टोरियल फोर ज़ीरो थ्री टू ज़ीरो मैंने क्यों डायरेक्ट से फाइंड किया क्योंकि उप नीचे है थ्री थर्टी सिक्स फोर जीरो थ्री टू ज़ीरो अपॉन थ्री थर्टी सिक्स तो इसे थ्री थर्टी सिक्स से डिवाइड कर लें वन ट्वेंटी आ गया एट माइनस एन फैक्टोरियल इज़ इक्वल्स टू वन ट्वेंटी अब 120 को आपने फैक्टोरियल में चेंज करना होगा क्यों क्योंकि यहाँ से फैक्टोरियल की साइन कैंसिल आउट होगी तभी हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकेंगे एंड को फाइंड आउट कर सकेंगे तो 120 को फैक्टोरियल में चेंज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा किसका फैक्टोरियल बन रहा है ठीक है फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन फाइव का फैक्टोरियल हम बहुत दफ़ा फ़ाइंड आउट कर चुके थे वन ट्वेंटी आता था तो ये हमें थोड़ा याद था तो जिसकी वजह से बहुत ही इजीली हम इसको फाइव फैक्टोरियल लिख सकते हैं ठीक है कि वन ट्वेंटी इज इक्वल्स टू फाइव फैक्टोरियल ना फैक्टोरियल की साइन से फैक्टोरियल की साइन हो गई कैंसिल आउट यहाँ से है आपके पास एट माइनस एन इज इक्वल्स टू फाइव फाइव यहाँ आ जाएगा एन वहां चला जाएगा क्योंकि एन को पॉजिटिव करना है फाइव गया एट माइनस फाइव हो गया आपके पास थ्री एन आ गया आपके पास यहाँ से थ्री आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन काफी इजी से क्वेश्चन है थोड़े से जो है ना आपने जो है सिंप्लीफिकेशन है बट बहुत ईजी क्वेश्चन है पार्ट फोर सॉल्व करते हैं पार्ट फोर है आपके पास अलेवन पी एन इज इक्वल्स टू टेन डॉट अलेवन डॉट टेन डॉट नाइन ठीक है ये भी आपके पास जो है वो सिंप्लीफाई हो गया फिर आपके पास यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा अलेवन पी एन इज इक्वल्स टू अलेवन मल्टीप्लाई बाय टेन मल्टीप्लाई बाय नाइन नाइन नाइनटी नाउ अब हम करेंगे वी नो दैट एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल ठीक अब एन की जगह है आपके पास अलेवन और एन पी एन इक्वल है नाइन नाइन्टी के तो एन पी एन की एन पी आर की जगह नाइन नाइन्टी आ गया एन है अलेवन अलेवन माइनस एन है आर के इक्वल यानी आर है एन के इक्वल तो इसकी जगह आ गया एन फैक्टोरियल ठीक है मालूम है मैं आर ही करना है मगर तरह से लिखा गया अब अलेवे फैक्टोरियल है अगर इसको दोबारा ऐसे लिख दीजिए अब ये यह यहाँ डिवाइड हो रहा है मैं जाके मल्टीप्लाई करेगा नाइन नाइन्टी को इधर ले आएंगे तो अलेवन माइनस एन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एलेवन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नाइन नाइन्टी ठीक अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है अलेवन फैक्टोरियल नाइन नाइनटी को तो एलेवन फैक्टोरियल आपके पास है इक्वल और डिवाइड भी कर नाइन नाइनटी से क्योंकि काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है अलेवन माइनस एन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फोर जीरो थ्री टू जीरो अभी कुछ क्वेश्चन हमने किए जिसमें फोर जीरो थ्री टू जीरो आ रहा था तो देखते हैं वो किस नंबर का फैक्टोरियल था तो उसको भी हम थोड़ा सा याद रखेंगे फोर जीरो थ्री टू जीरो आपके पास आ रहा था एट का फैक्टोरियल ठीक है अभी मैंने पीछे किया था तो थोड़ा मुझे याद था तो ये एट का फैक्टोरियल है ठीक है तो यहाँ मैं कर लूँगी एलेवन माइनस एन फैक्टोरियल इज़ इक्वल्स टू रीचेक करवा देती हूँ देखिए एट के साथ फैक्टोरियल लगाया फोर जीरो थ्री टू जीरो आ गया तो इधर मैं लिख सकती हूँ एट फैक्टोरियल तो मैं यहाँ लिख रही हूँ फोर जीरो थ्री टू ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू एट फैक्टोरियल फैक्टोरियल से फैक्टोरियल की साइन कैंसिल एन यहाँ माइनस हो रहा है प्लस करेगा एट यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ के माइनस करेगा तो एन आ जाएगा अलेवन माइनस एट किया आंसर आ गया है यहाँ से भी आपके पास थ्री ये था पार्ट फोर पार्ट फाइव सॉल्व करें पार्ट फाइव है आपके पास एन प्लस टू पी फोर एन प्लस वन पी थ्री इज इक्वल्स टू फाइव रेशो वन अब रेशो मीन्स दोनों जगह रेशो आ गए तो ये तो अपॉन में होगा आपके पास ठीक है अब अपॉन में किस तरह से करेंगे तो देखेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई ज़्यादा इसमें मेहनत है अब आपको यहाँ पर दो पमोटेशन दी हुई हैं ठीक है तो हम यहाँ लिखेंगे कि एन प्लस टू पी फोर रेशो एन प्लस वन पी थ्री इज एक टू फाइव रेशो वन ठीक है अब आपके पास इसे हम लिख सकते हैं एन प्लस टू पी फोर अपॉन एन प्लस वन पी थ्री इक्वल है फाइव अपॉन वन के रेशो को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया अब आप फॉर्मूला लगाएंगे कि एन पी आर इज़ इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल ऊपर अलग लगेगा नीचे अलग क्योंकि ऊपर भी एन पी आर है नीचे भी एन पी आर है ठीक है तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा एन पी आर ठीक है तो एन फैक्टोरियल तो एन फैक्टोरियल है आपके पास यहाँ पे एन ये है एन प्लस टू फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल तो एन है एन प्लस टू और आर है फोर फैक्टोरियल अब अपॉन है तो अपॉन को शो नहीं करते डिवाइड की साइन लगा लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन लगाएंगे बहुत मुश्किल जो है वहाँ समझने में हो जाएगा यहाँ पे करें इसके लिए तो एन फैक्टोरियल के लिए एन प्लस वन फैक्टोरियल और यहाँ से आपके पास नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में एन माइनस आर तो एन माइनस आर तो एन है एन प्लस वन और आर है थ्री फैक्टोरियल इक्वल है फाइव के इसको फाइव के इक्वल क्योंकि फाइव अपॉन वन चलाएंगे तो वन तो हम शो नहीं करते डिनोमिनेटर में अब आप आपके पास एन प्लस टू फैक्टोरियल है नीचे भी सिंप्लीफाई कर लें नीचे आ गया एन माइनस टू फैक्टोरियल ऊपर है एन प्लस वन फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा यहाँ से एन माइनस टू फैक्टोरियल इक्वल है आपके पास फाइव के ठीक है डिवाइड की साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लें ठीक है तो ये है एन प्लस टू फैक्टोरियल और डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में तब्दील करें एन माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल इक्वल है के ठीक तो यहाँ से एन माइनस टू फैक्टोरियल से आपके पास एन माइनस टू फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गया अब इनको मल्टीप्लाई कर लें ऊपर है आपके पास एन प्लस टू फैक्टोरियल और नीचे है आपके पास एन प्लस वन फैक्टोरियल इक्वल फाइव के अब क्या करेंगे अब हम देखें एन प्लस टू है ना आपके पास तो आप जानते हैं एन प्लस टू अब फैक्टोरियल की साइन फैक्टोरियल की साइन से कैंसिल आउट करके आपके पास लेंदी नहीं करेंगे स्टेप्स को हम हम जानते हैं एन प्लस टू फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं पीछे की इस तरफ रह जाना एन प्लस टू का फैक्टोरियल है एन प्लस टू एन प्लस वन एन फैक्टोरियल ठीक है नीचे प्लस वन का फैक्टोरियल है अगर हम एन बी ना लगाएं तो एन प्लस टू एन प्लस वन का फैक्टोरियल हम इसे लिख सकते थे अच्छा अगर खरा हम इसके साथ एन बी लगा रहे हैं तो नीचे भी एन प्लस वन के फैक्टोरियल को हम ओपन कर सकते हैं एन प्लस वन एन का फैक्टोरियल ऊपर भी लगाया चले नीचे भी लगा दें अगर आप चाहें तो ऊपर ना शो करें एन फैक्टोरियल एन प्लस वन फैक्टोरियल पर स्टॉप कर दें तो यहाँ से एन प्लस टू तो, एन प्लस वन एन फैक्टोरियल और एन प्लस वन एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल तो एन प्लस टू इक्वल है फाइव की प्लस का टू आ जाके माइनस का टू हो जाएगा एन तो आपके पास आ जाएगा फाइव माइनस टू थ्री एन आपके पास यहाँ पर क्या होगा थ्री होगा आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ये था आपके पास पार्ट फाइव थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था काफी ज्यादा स्टेप्स थे जो कि समझने वाले थे इसी तरह से है पार्ट सिक्स भी पार्ट सिक्स है आपके पास एन पी फोर रेशो एन माइनस वन पी थ्री इक्वल है नाइन रेशो वन के सोल्यूशन स्टार्ट करें एन पी फोर रेशो एन माइनस वन पी थ्री रे इक्वल है नाइन रेशो वन के तो आप इसे लिख सकते हैं एन पी फोर अपॉन एन माइनस वन पी थ्री इक्वल है नाइन अपॉन वन के अब अब जानते हैं एन पी आर इक्वल होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल के फॉर्मूले में पुट करेंगे ऊपर भी एन का फॉर्मूला लगेगा नीचे भी एन का फॉर्मूला लगेगा अब आपके पास एन पी आर इक्वल है एन फैक्टोरियल के तो एन एन ही है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर एन माइनस फोर फैक्टोरियल ठीक है एन एन ही था तो एन फैक्टोरियल एन माइनस आर तो आर था फोर ठीक है अब डिवाइड साइन लगाएंगे तो ये वाला जो हमने किया है अपॉन में इसको हम डिवाइड में चेंज कर रहे हैं ठीक है डिवाइड के साथ इसलिए लगाने क्योंकि मैं फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन ही बनाना चाहती यहाँ पे भी, भी करेंगे एन फैक्टोरियल तो एन है आपके पास एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर तो एन माइनस वन माइनस थ्री आर है थ्री तो एन है एन माइनस वन आर है थ्री फैक्टोरियल इक्वल है नाइन के अपॉन में वन शो नहीं कर रहे अब आपके पास एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 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 प्लस वन माइनस फोर फैक्टोरियल डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ऊपर वाली नीचे नीचे वाली ऊपर फैक्शन हो जाएगी एन माइनस फोर फैक्टोरियल ऊपर चला गया एन माइनस वन फैक्टोरियल नीचे आ गया ये इससे कैंसिल आउट हो गया आपके पास रिमेनिंग बचा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल ठीक है एन फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन एन माइनस वन फैक्टोरियल ठीक है तो इसकी जगह हम लिख देंगे एन एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n minus 1 factorial is equals to 9. N minus 1 factorial is n minus 1 factorial cancel. N equal agia aapke kibasi has the 9. के. This is the answer of this question. I hope आपको समझ में आया होगा मेरी कोशिश की बहुत इजी करके समझाऊं क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे थे बट बहुत बहुत इजी है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट